की शादी। अरे तू सोता रहेगा तो इस दूल्हे को कौन तैयार करेगा रे? अरे बाराती उठ जा, वरना मेरे बैंड का बंदोबस्त कौन करेगा रे? अरे उठ जा, उठ जा। शादी तो तेरी है यार। अरे हो जाएगी, तुम लोगों की भी शादी हो जाएगी। अरे अगर मेरी किस्मत में यह खुशी तुमसे पहले लिखी है तो मैं क्या करूं? तेरी खुशी देखकर मुझे मेरे दोस्त इंस्पेक्टर कामले याद आ गया। इंस्पेक्टर कामले? अरे हाँ यार, इंस्पेक्टर कामले, वो अपनी बाजू वाली चौकी का इंस्पेक्टर। क्यों है ना? हाँ, उसकी जिंदगी में जब तक हादसा नहीं हुआ था, मतलब शादी, वो भी ऐसी लंबी हंसी हंसता था। लगता था उसकी 32 में 64 दांत हैं, मगर जब से वो 7 फेरों के फेरे में अटक गया। अरे रे 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 रे। लेकिन मैं तो किसी इंस्पेक्टर कामले को नहीं जानता। अरे जानता तो ये दिन तेरी जिंदगी में आने देता। अरे दोस्तों, उस दिन उसके घर गया था मैं अशोक की शादी का कार्ड देने। तो कार्ड देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे लगा कि मुबारकबाद दे रहा होगा। लेकिन नहीं, सॉरी, वो तो बेचारा रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। मेरी कमीज गीली कर दी यार। अब बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस इतना ही कहा कि हमारे अशोक साहब बहुत ही प्यारे कुंवारे थे। अरे यार, तुम सब मेरे दिमाग का कबाड़ा कर रहे हो। अरे कामले के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी यार। शादी तो कुदरत की देन होती है। शादी मोहब्बत की शतरंज में वो गलत चाल है जिसे खेल कर आदमी जिंदगी की बाजी हार जाता है। सुनो, तुम सब के सब कुमारे हो, शादी के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? अरे भैया, हम लोग जानते हैं, तभी तो कुमारे। ठीक, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा अशोक। अरे यार अशोक, क्या हो गया तुझे? अशोक माय फ्रेंड। अशोक, शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। यार, मैं ऐसे एंड टाइम पर शादी के लिए मना नहीं करते। लेकिन जल्दबाजी में हाँ भी नहीं क्या करते। मैं सबसे पहले इंस्पेक्टर कामले से मिलूंगा, उनसे कुछ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जरूरत पड़े तो डिसीजन लूंगा।
प्लीज इंस्पेक्टर कामले का आता पता बता। अरे कोई इंस्पेक्टर कामले होगा तभी तो उसका एड्रेस देंगे ना। हम लोग तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्यों भाई? तुम लोग तो मजाक कर रहे थे लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ यार। पांच जुमले क्या बोल दिए? मानसी के साथ तेरा पांच साल का प्यार हवा हो गया। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा यार। लाखों में एक है हमारी भाभी, बोल है कि नहीं? है, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, शादी तो ऊपर वाले की इनायत है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ का नाम है शादी। गुड मॉर्निंग अजय। देख बेटा, तू सच सच बता, ये शादी कैसी चीज होती है? शादी दरअसल शादी बहुत अच्छी चीज होती है। नहीं, कितनी अच्छी चीज होती है? इतनी अच्छी चीज होती है, इतनी अच्छी चीज होती है, जैसे बहुत अच्छी चीज होती है। हेलो, इंस्पेक्टर रेखा स्पीकिंग। यस यस ओके। वहीं से टिप ऑफ मिला है कि रॉनी बाइकला के वेयर हाउस में छिपा हुआ है। अशोक, तुम रेखा और पीटर के साथ शादी में पहुंचो, हम लोग बाद में पहुंचते हैं। नहीं अजय, अब तक हम चारों हमेशा ऑफिशियल ड्यूटी पर साथ गए हैं, आज भी वैसा ही होगा। रेखा, तुम पीटर के साथ जाकर शादी का मामला संभालो, हम चारों बहुत जल्द पहुंचेंगे। लगता है दुल्हन आ गए। दुलेमिया मैं नहीं हूँ। क्या? अरे बंद करो भाई, बंद करो। जुल जुल जुल। अशोक का है? अशोक, अविनाश, अजय और आनंद के साथ जरूरी काम पर गया है, इमरजेंसी ड्यूटी, आता ही होगा। आता ही होगा। यजमान, लग्न का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कहिए तो मैं अपना सामान बटोर लूं। लगता है दूल्हे मियां आज अपनी ही शादी भूल गए। कहा था इसे, कहा था किसी से भी कर लेना, पर पुलिस वाले से शादी मत करना। शादी वाले दिन ड्यूटी पे जाना, ये तो पहली बार सुना है। मानसी, दरअसल वो क्या है? ए, सफाई देने के लिए पूरी उम्र बड़ी है। तू जल्दी से बैठ यहाँ पे, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। बैठ 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 बैठ। दुकान चालू करिए पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, ओम गणपति हवामहे, निधिनां स्वा निधिपति हवामहे, प्रियानां स्वा प्रियपति हवामहे, वसु दे मैं खाने की चाबी। यारा जिद ना कर, यारा
ना कर, प्यारा जिद ना कर, तो हमको होने दे शराबी, दे दे मैखाने की चाबी। प्यारा जिद ना कर, प्यारा जिद ना कर, प्यारा जिद ना कर, प्यारा जिद ना कर। और अशोक का है? हे भगवान, यानी उन दोनों ने अपनी सुहागरात किसी और कमरे में मनाई। ये अनजाने में हम क्या कर बैठे यार। अनजाने में नहीं जनाब, नशे में। मैं तुमसे कह रहा था कि यार ज्यादा मत पियो। अरे यार मैं पी का रहा था, मैं तो तुम दोनों को कंपनी दे रहा था बस। और दोनों से ज्यादा पी गया। शकल देखी थी कैसे फुदक रहा था दारू के लिए। तभी तो बार के खुलते ही सबसे पहले तू लपका था। क्यों? अरे वो तो मैं तुम दोनों के लिए पैक बनाने गया था, जो हम तक पहुंचा ही नहीं। नहीं मिली, खुद पी गया साला। वैसे अजय, तुझे भी वहां नाच गाना नहीं करना चाहिए था यार। अरे यार नाच गाना तो शादी ब्याह में होता ही रहता है, आप लोग भी तो नाच रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? हम लोग यहाँ आए कैसे? मैं खुद तो नहीं आया। अविनाश,
यही साला हम दोनों को यहाँ लेकर आया होगा। मुझे कुछ हल्का हल्का याद है, एक कंधे पे तू था और एक कंधे पे मैं। ये गधा हम दोनों को लेकर कहीं जा रहा था। हाँ कहीं क्या, यहीं आ रहा था। अरे बड़े एहसान फरामोश हो तुम दोनों, एक तो तुम दोनों का बोझ मैं अकेले बिस्तर तक लेकर आया और एहसान मानने की जगह। अबे साले एहसान करना ही था तो किसी और डायरेक्शन में कटता, इस घर में एक ही कमरा है क्या? हाँ अबे डायरेक्शन कैसे जोता किसी को नशे में। एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई फायदा नहीं, हम तीनों ही कसूरवार हैं एक बहुत बड़े गुनाह के। मैं अशोक को फेस नहीं कर सकता, मैं खिसक लेता हूँ, पहले फोन पे बात करूंगा। मेरी बात सुन, मैं भी उसे अकेले फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल चल चल, मैं तो यहाँ से चला भी गया। अरे चल यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए अशोक, प्लीज मत। हाँ कहता हूँ, रख लो। मानसिंह गुड मॉर्निंग, मानसिंह अशोक, मानसिंह प्लीज, मानसिंह मेरी अशोक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम प्लीज टेलीफोन पे डैडी से कह दो, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ओके प्लीज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अशोक तुम्हारी ऐसी कौन सी दलील, ऐसा कौन सा तर्क है जो मुझे रोक सकता है? अरे जब मैं अपनी सुहागरात ही अपनी स्टेज पे नहीं गुजारी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये मेरी समझ में आ गया है। अरे तुमने तो पहली रात ही मुझसे सारी खुशियाँ छीन ली अशोक। मुझे माफ कर दो मानसी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे माफी की बात करते हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें मानसी, क्या जवाब दूं जब तुम बिल्कुल सही हो। वक्त बहुत बेरहम होता है मानसी, वापस लौट कर नहीं आता। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मानसी, तुम्हारी पहली खुशी की रात मैंने तुमसे छीन ली, जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे खुशी दूंगा। अशोक यार हमें माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। खूब दोस्ती निभाई तुम लोगों ने, माफी मुझसे नहीं अपनी भाभी से मांगो। भाभी हम तीनों को माफ कर दो प्लीज। तमीज ही नहीं हमारे अंदर इस घर में रहने की, लायक नहीं हम किसी रिश्ते के लिए, अनाथ थे तो रिश्तों की कोई बंदिश नहीं थी, कोई अंकुश नहीं था, अपनी मनमर्जी से जीते थे, किसी और के मुताबिक जीना ना कभी हमने सीखा ना किसी ने सिखाया। भाभी पहली बार आप एक रिश्ता लेकर आई हैं इस घर में, वो रिश्ता ही रूठ कर चले जाएगा तो फिर पलट कर इस घर को कोई आबाद नहीं करने आएगा। अभी ये घर पहले भी उजाड़ पड़ा था, आज तुम चली गई तो बिल्कुल उजड़ जाएगा भाभी। अभी जब आपके पायल की आवाज, आपकी चूड़ियों की आवाज इस घर में गूंजी ना तो हमें उस पर जिंदगी की आहट सुनाई दी। ये सब छीन कर हम अनाथों को फिर से लावारिस ना कीजिएगा भाभी, ना कीजिएगा। अशोक प्लीज यार, अब मुझसे ये और ड्रामा नहीं हो रहा, प्लीज। क्या यार मानसी, इतनी जल्दी पर्दा गिरा दिया, अब देखो हाथ तो जोड़ ही चुका था, पांव भी पड़ने देती। कितने इमोशनली कह रहा था, ये सब छीन कर हम अनाथों को फिर से लावारिस मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। यानी ये सब नाटक था? अजय ये सब अशोक का प्लान था, मैं कुछ नहीं जानती। एक्चुअली एक शादीशुदा मर्द ने तुम तीन कुंवारों की छुट्टी कर दी। आपके मजाक में तो हमारी जान ही सूख गई थी। भाभी एक वादा कीजिए, अगर हम गलती करें ना तो समझाइए, डांटिए, गाल पर थप्पड़ तक मारिए, लेकिन जाने का नाम कभी मत लीजिए। फिर अजय कुछ नहीं हो सकता, पिछले 3 बरस से तेरा दिल अजय अजय जप रहा है, लेकिन तेरी ये जुबान अजय से ये 3 लफ्ज नहीं कह पाई। यकीन करो अशोक, मैंने बहुत कोशिश की कहने की, लेकिन जब भी मौका मिला सांस की रफ्तार इस कदर तेज हुई कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। कुछ नहीं हो सकता, देख रेखा तू अजय को बहुत अच्छी तरह से जानती है, बात ये तुझे ही करनी पड़ेगी। अगर तूने ये बात नहीं कही और तुझसे पहले किसी और लड़की ने ये 3 लफ्ज कह दिए फिर मुझे मत कहना कि अशोक नहीं, नहीं 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 मैं आज ही अपने दिल की बात कह डालूंगी। हाँ।
देखा तेरे दिल की आवाज सुनकर देखो आ गया। चल ऑल द बेस्ट। चल ना। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वो आ रहा है। अब तुम हिम्मत मत हारना, हौसला मत छोड़ना। ऑल द वेरी बेस्ट। हाय अजय। हाँ बोलो। कह डालो। अरे बोलो बात क्या? या खामखा टोकने की आदत पड़ गई है? अरे बोल जो बोलना है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो क्या माइक हाथ में पकड़ा हो तब बोलेगी? आई लव यू। आई लव यू। अरे जबान नहीं चल रही है, बात भूल गई। गुड मॉर्निंग अजय। तेरी कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू। हेलो क्या? सुनिए क्या है? ये डोमिनेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह क्या है? एक मिनट। ए शाका, अरे पाले क्या भजिया खड़े हो रहे हैं, हरी मिर्ची भी पानी भी। वन मिनट ना। भजिया भी क्या चीज है, नियर नहीं भरती। ये लीजिए, सॉरी तेल लग गया। मैं कहता हूँ अगर लत्ती डालनी है तो वड़ा पाव भजिया की डालो। अरे ड्रग की क्यों? आपको मालूम है पिछले हफ्ते 30-35 आदमी तो ऐसे ही मर गए। 10 कदम की दूरी पर मरने वालों के माँ बाप भाई बहन आंसुओं में डूबे हुए हैं। तुम्हें उन लोगों का दर्द ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें, जरा सा भी दर्द नहीं महसूस होता। मुझे तो थप्पड़ मार रहे हैं साहब। अरे थप्पड़ मार रहे तो उनको जाकर मारो जो ये मौत बांट रहे हैं, मौत। अरे एक दिन की बात हो तो दर्द हमें भी होता है, लगता है यहाँ तो मौत का मौसम आ गया है। मुझे थप्पड़ मारते हैं, बड़े साहब आ गए हैं ये लोग। शहर फिर से ड्रग्स की चपेट में आ गया है सर। ये राणा नाम का धुन फिर से नौजवान नस्ल को लग गया है सर। देखते ही देखते ये ड्रग माफिया हमारी छाती पर खड़ा हो जाएगा। क्या इस बार भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आ जाता तब तक तो बेशक हाथ पर हाथ धर कर ही बैठना पड़ेगा। सर कानून हमारी ताकत है या फिर कमजोरी? कानून हमारा साथ एक हद तक ही दे सकता है। हम पुलिस वालों के पास कुछ पावर्स हैं तो बहुत सारी पाबंदियां भी। इस खाकी वर्दी के कुछ फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये हमारे अधिकारों में नहीं आता कि हम किसी की तरफ भी उंगली उठाकर कह दें कि ये आदमी गुनाहगार है, इसे गिरफ्तार करना है। सर कम से कम हमारे अधिकार में ये तो आता है ना कि हमें गुनाहगार के गुनाह साबित करने की छूट मिले। क्या मतलब? सर हमको राणा के तमाम ऑफिसों, अड्डों और ठिकानों पर रेड मारने के लिए सर्च वारंट चाहिए। बेबुनियाद बात मत करो अशोक। राणा के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने के लिए हमें कानून की आंखों में कम से कम शक तो पैदा करना पड़ेगा ना। आज की तारीख में राणा ने अपनी हस्ती को इतना पाक और साफ बना रखा है कि लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। कल को अगर हम उसके नाम का सर्च वारंट निकाल देते हैं तो 10 फोन आ जाएंगे ऑफिस में। कम से कम कोई एक तो ऐसा सुराग मिले जिससे हम राणा की असलियत जाहिर कर सके। अपने अनाथाश्रम के लिए ये 15 लाख का चेक कबूल कीजिए। उन अनाथों के नाथ हो गए आप राणा साहब, उन बच्चों की जिंदगी सवर गई। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब को मेरा प्रणाम और निवेदन है कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए ये मेरे 25 लाख स्वीकार करें। 25 लाख? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है उसके सामने ये डोनेशन कुछ भी नहीं। भाई कितना बड़ा दिल है इनका। अरे ये कोई इंसान नहीं, अवतार है, अवतार। जिस आस्था से मैं मंदिर जाती हूँ ना उसी आस्था से यहाँ आती हूँ। नमस्ते भाजी। ये दान पुण्य कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक ही झटके में आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए। देखिए
बीज बोने में कंजूसी करूंगा तो फसल अच्छी कहां से होगी? इस 1 करोड़ के बीज से मैं 100 करोड़ की फसल काटूंगा। और देख, आज पूरा शहर तेरे भाई के मुट्ठी में है। क्यों? इसलिए कि मैं जिस मजबूती से पिस्तौल पकड़ता हूं उतने ही सदे हाथ से दान पुण्य करता हूं। विकी, ये डोनेशन, चंदा, खैरात, ये सब दूरियां हैं जिनसे मैंने सरकार, अदालत, पुलिस, कायदे कानून को बांध कर कठपुतली बना रखा है। अब देख, ये रोनी रंगे हाथों पकड़ा गया, फोन पर उंगलियां घुमाई, बाइज्जत जमानत हुई। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हम सलामत हैं। बड़ा प्यार करता हूं मैं अपने आदमियों से। मेरे किसी पालतू आदमी का शिकार पुलिस वाला कर बैठे, ये मुझे गवारा नहीं। जैसे ये मंजूर नहीं, वैसे मेरा कोई आदमी अपनी लापरवाही से पुलिस के हाथ लग जाए। राणा साहब, बस जरा सी भूल हो गई। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। क्या क्या? नहीं सर, सर आप उन्हें साफ मना कर दीजिए। नहीं अशोक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऑर्डर ऊपर से आए हैं। सर, सब कुछ जानते हुए आप ये काम हमें क्यों सौंप रहे हैं? सर प्लीज, इस काम के लिए किसी और को आप भेज दीजिए। Try to understand अशोक, ऑर्डर पर खास तौर पर तुम्हारा और अजय का नाम लिखा हुआ है, तुम दोनों को जाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा होने देता। हमारा बस कब चलेगा सर? क्या हुआ अशोक? ऑर्डर आया है अजय, हम दोनों को सुरक्षा व्यवस्था पर जाना है, राणा के लिए। क्या बात कर रहे हो अशोक? राणा जैसे मुजरिम की हिफाजत के लिए पुलिस ड्यूटी बजाएगी? डिपार्टमेंट का दिमाग खराब हो गया क्या? चल ये भी सही मेरे दोस्त, फर्ज के लिए जहर का ये घूंट भी पी लेते हैं। चल। नहीं अशोक, मैं नहीं जाऊंगा। अजय चल। हाजिरी लगाने आ गए? ये हाजिरी लगाने नहीं आए हैं। ये बताइए, किस एरिया में जाने के लिए आपको सुरक्षा बंदोबस्त चाहिए? सुरक्षा और ये दो इंस्पेक्टर? भाजी, आपकी सुरक्षा तो बड़े बड़े लोग करते हैं और ये? अरे मेरी सुरक्षा तो लोगों में मेरा मान सम्मान है, ये सब सरकारी सिक्योरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरे गेट पर जो गोरखा खड़ा रहता है वो गांव चला गया, उसकी कमी महसूस हुई इसलिए तुम दोनों को यहाँ बुला लिया। वैसे भाई जी, याद है अपने बंगले का गोरखा भी तो पहले पुलिस इंस्पेक्टर ही था ना? आपका उस पर दिल आ गया और आपने उसे बंगले का गोरखा बना दिया। अरे उसकी रईसी देखकर कितने पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे यहाँ गोरखा बनने के एप्लीकेशंस भेजी है। विकी, देख तो कहीं इन दोनों की अर्जी भी तो नहीं आई हुई है। उठा, हाथ उठा, यही तो मैं चाहता हूँ। जैसे तुम लोग मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए छटपटा रहे हो ना, वैसे ही मैं एक मौके के इंतजार में हूँ। एक बार तुम्हारा हाथ मुझ तक पहुंचे फिर तुम लोग मेरी पहुंच का तमाशा देखना। भाई जी, गोरखा वापस आ गया, उसकी ट्रेन छूट गई। सुना नहीं तुम दोनों ने, गोरखा ड्यूटी पर आ गए, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म। चलो चलो निकलो यहां से, चलो गेट लॉस, गेट लॉस, चलो। भाई जी, रॉनी का काम किसे सौंपे? शहर में ड्रग सप्लाई करने के लिए कोई तो चाहिए। यही सोच रहा था विकी, जो अपने वफादार हैं वो पुलिस की निगाह में हैं, और किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। एक ड्रग के पैकेट की कीमत भी इतनी है कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। भाई जी, क्यों ना किसी ऐसे को तलाश करें जिस पर पुलिस को शक भी ना हो। कौन है ऐसा? साले सभी शाने हो गए। मैं जानता हूं किसी को जो मासूम भी है।
कौन? गुड मॉर्निंग पूनम। मॉर्निंग सर, आपने मुझे याद किया? हाँ पूनम, तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया हूँ। हमारी कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, तो तुम्हें प्रमोशन देने का तय किया है। यस पूनम, तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट से निकालकर कंपनी का पीआरओ बना दिया गया है, मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसमें तुम्हें हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारी दूसरी ब्रांचेस तक पहुंचाने होंगे। इसका मतलब आज से तुम्हारा ऑफिस में बैठना बंद, घूमना फिरना शुरू करो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू रियली वेरी वेरी मच। तो चलो आज तुम्हारा प्रमोशन सेलिब्रेट करें, डिनर साथ करें। सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, पर आज रात मैं बहुत बिजी हूँ सर। नो प्रॉब्लम, फिर कभी इस रात तुम फ्री रहो। लेकिन याद रखना, मेरा ये डिनर तुम पर उधार रहेगा। ओके सर। Come in, sir. Come in. Good morning, sir. Good morning. Hello. Hello, Vicky. हाँ, तुझे माल मिल गया? हाँ, तेरा माल आया था, मेरा माल लेकर। जिंदल, जरूरत से ज्यादा जबान मत चला। तुझे अपने मतलब का सामान मिल गया है ना? अब अगर तूने मेरी जाती जिंदगी में दखल दिया तो तू अपनी जिंदगी से बेदखल हो जाएगा। क्या हुआ मैडम, इसे पकड़ने के लिए इतना चिल्ला रही हैं? अरे मुझसे सवाल करने के बजाय भागकर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? हाँ, अरे पकड़ तो लूंगा ही, पहले कुछ मुद्दा तो समझ में आए कि किसे पकड़ना है, क्यों पकड़ना, उसने क्या क्या है। वाह क्या बात है, आप जैसे नौजवान सड़क के कोने पर खड़े रहकर मुद्दा ही समझते रह जाते हैं और चोर हाथ से पर्स छीन कर भाग जाता है। अच्छा अच्छा, चोर वो आपका पर्स लेकर भागा है? भागा है नहीं, भाग चुका है, वो भी दिन दहाड़े बीच सड़क पर। इन चोरों की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आप जैसे नौजवान डरपोक बन गए हैं। आप लोग सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते रहते हैं। शुक्र है इन चोरों को पुलिस का थोड़ा बहुत डर है, वरना अगर आप जैसे दो चार पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाते ना तो ये मवाली दिन दहाड़े पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर कैद करके शहर भर में हुकूमत करते फिरते। आंखों के सामने चोर पर्स लेकर भाग गया है और आप पूछते हैं क्या हुआ है, चेहरे पर शर्म तक नहीं है। छी! सुनिए विवेकानंद, देखिए मैं पुलिस स्टेशन में सैर करने नहीं आई। विवेकानंद रोड वो साहब के अंदर आता है, अंदर जाओ और कंप्लेंट लिखो। कंप्लेंट लिखवाना भी सरदर्द है, पहले सही पुलिस स्टेशन ढूंढो, फिर उस पुलिस स्टेशन में सही साहब को। एक्सक्यूज मी जी, विवेकानंद रोड का एरिया क्या आपके अंडर आता है? जी हाँ, फरमाइए। देखिए मैं यहाँ कुछ फरमाने नहीं, कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। घंटा भर तो ये ढूंढने में लग गया कि विवेकानंद रोड किस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। अब तक तो वो चोर पर्स के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च भी कर चुका होगा। आजकल के चोर उचक्के इतने बेखौफ हो गए कि दिन दहाड़े भरी सड़क पर किसी के हाथ से पर्स छीन कर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस को हरकत में आते हुए दो चार घंटे तो लगेंगे। देखिए मैडम, आप यहाँ मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई है या फिर उस चोर के खिलाफ जो शायद आपका पर्स लेकर भागा है? कंप्लेंट तो मैं तब लिखवाऊंगी जब आप अपना सर घुमाकर मेरी तरफ देखेंगे। घूम जाता हूँ। तुम? जी हाँ मैं, इंस्पेक्टर आनंद। कांडेल, ओ साहब क्या क्यों नहीं? अरे किसे क्यों नहीं है, पहले आप मेरी कंप्लेंट लिखिए फिर किसी दूसरे केस में उलझेगा। ये आपने मान लिया कि मुझे मेरा पर्स वापस मिलने वाला ही नहीं है? अरे मैडम, ये कंप्लेंट वंप्लेंट लिखवाने का क्या फायदा? कमाल है, यानी कि आप मेरी कंप्लेंट तक नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, और इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। जरा गौर से देखिए, क्या ये वही चोर नहीं है जो दिन दहाड़े बीच सड़क में आपका पर्स लेकर भाग गया था? समझा रहे? और ये रहा आपका पर्स, चेक कर लीजिएगा। आ
आपने तो कमाल कर दिया। हाँ जी, ये कमाल तो मैं वहां विवेकानंद रोड पर ही आपको दिखा देता, और आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, आपने वहाँ मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। I'm sorry, Inspector Anand. नहीं नहीं नहीं, not at all, not at all. Thank you very much. You are welcome. मुझे लगता है मानसी सो गई होगी। हाँ, ऐसा करते हैं, तवे पे अंदर चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा के सो जाते हैं। यार भाई, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, बहुत भूख लगी है मुझे। तो भाभी को उठाकर गाली खा ले। अरे भाभी, आप सोई नहीं? खाना खाए बिना नींद कैसे आएगी, है ना विनाश? आओ आओ बैठो। मानसी, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। अशोक, शादी के बाद शायद हमने एक साथ खाना खाने का नियम बनाया था, नहीं? बैठो। अशोक, तू गलत कर रहा है यार, तू अब शादीशुदा है यार, सोचना चाहिए घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। ये 3:45 कोई टाइम हो गया आने का? हाँ, और भाभी, मैंने तो इसे कई बार घड़ी भी दिखाई थी, लेकिन ये जो है ना, मुझे किसी ने कोई घड़ी नहीं दिखाई। यार अशोक, ऐसा भी तो हो सकता है कि रात के अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया हो। ये तो झूठ क्यों बोल रहा है? माना कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तो महसूस करना चाहिए कि घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। यार थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ अशोक का ही नहीं, तुम तीनों का भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर अशोक घर आ भी जाते ना, तो भी हम दोनों को तुम तीनों का इंतजार जरूर करना पड़ता। इस घर में साथ खाना खाने का नियम ना सब पे लागू होता है, समझ में आया? तुम लोग रुक क्यों गए? खाओ ना। अब खाना क्या खाएं अशोक? जब तृप्ति हो गई, खाने पर हमारा कोई इंतजार करेगा, ऐसी जिंदगी के बारे में तो हम चारों ने सिर्फ सुना था। हाँ, कुछ घरों के अधखुले दरवाजों और खिड़कियों से वो जिंदगी दूर नजर आती थी, जहां एक मां अपने सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। वैसी जिंदगी की ना तो कोई तलाश थी, ना कोई उम्मीद। तुम लोग ज्यादा बोलोगे ना तो भाभी रो पड़ेगी। देख बे साले, भाभी तो हम तीनों की है, तेरी औकात सिर्फ पति वाली है, उसी में रह, समझा? ठीक है भाई, गलती हो गई। फोन कर रही है, सिर्फ सिक्के ही डाल रही है, क्या कर रही है? हेलो हेलो हेलो, मैं पो, हेलो हेलो, जरा जल्दी करो मैडम, इतने सिक्के अगर रेड क्रॉस के डिब्बे में डालती तो कुछ पुण्य कमा लेती। One more minute, sir, please, please. पिछले 10 मिनट से एक उंगली दिखा रही है। हेलो हेलो हेलो, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे इंस्पेक्टर आनंद? इंस्पेक्टर आनंद, गॉड, हेलो हेलो, जानबूझकर, समझता क्या आपने, आपको जानबूझकर फोन काट देता इंस्पेक्टर आनंद। चलिए, जो जिसको सुनाना है वहाँ फोन पर जाकर सुनाना, 10 मिनट से दिमाग चाट रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, अब यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपना फोन करो। सुनिए 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 सुनिए, वो आप विवेकानंद रोड की पुलिस चौकी वाले इंस्पेक्टर आनंद को फोन घुमा रही थी आप? हाँ, क्यों, जानते हो इंस्पेक्टर को? अरे आपके लिए वो इंस्पेक्टर होगा, लेकिन अपना यार है वो, यार आनंद। Oh, hi, I'm Poonam. How do you do? I'm fine. Thank you. आपको आनंद से बात करनी है? हाँ। आप कब से जानती हैं उसे? बस दो मुलाकातों से। दो मुलाकातों से? दो मुलाकातों से? और फिर भी वो फोन भी नहीं आता? अरे हराम को, समझता क्या आपने आपको? क्या उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वो पुलिस चौकी में अपना दिल पार्किंग लॉट में पार्क करके अंदर घुस जाता है। लेकिन फिर मैं उसके साथ बात कैसे करूंगी? सिंपल, वेरी सिंपल। यस, हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ, बोलिए। ऑफिसर ऑफिसर, जल्दी मेरे घर आ जाओ। घर आ जाओ, क्यों, बात क्या है? मेरे घर में चोरी हो गई इंस्पेक्टर। देखिए, आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं पहुंचता हूँ, बोलिए। लिख लीजिए,
15 कैंटीन क्या पूछ रहा है? 15 यार पार्क एवेन्यू रोड 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 पार्क एवेन्यू रोड अर्ली। आप इत्मीनान रखिए, मैं पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाना इंस्पेक्टर, वो तुम्हारी राह देख रही है, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। जी अब मैं खिसक जाता हूँ, आप अपने दिल का पंचनामा खुद करवाइएगा। अब पीटर, अब क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। हो गया। अरे ये बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता है यार, जब तक मैं बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरता ये थाने से यहाँ पहुंच भी गया। मुंह दूसरी तरफ करके खिसक लो यार। एक्सक्यूज मी, जरा ये पता बताएंगे आप? अरे आनंद तू? पीटर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो यार एक केस के सिलसिले में आया। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? आओ, ये एक जानकार के यहाँ आया था, दिल का मरीज है बेचारा, उसे तबीयत पूछने और दवा दारू करने आया था। ये दिल बड़ी नाजुक चीज होती है यार, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ तू भी रख, क्योंकि दिल एक बड़ी नाजुक। कौन? मैं इंस्पेक्टर आनंद। ओ इंस्पेक्टर आनंद, तुम आ गए, अब मेरी जान में जान आई। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है माजी। माजी पड़ोस वाली मिसेस अडवाणी को कहना मुझे माजी बाजी मत कहना। ठीक है, आई एम सॉरी आंटी। आंटी चुप। अरे तुम्हारी उम्र के लड़के मोहल्ले में मुझे देखकर आंख मारते हैं और तुम हो के मुझे आंटी आंटी कह जा रहे हो। लगता है आपके इस मोहल्ले में बड़े आजाद ख्यालात के लड़के रहते हैं। अब आप इजाजत दें तो तहकीकात शुरू करूं। हाँ करो। वैसे मौका है वारदात को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ को चोरी हुई है। कैसे इंस्पेक्टर हो, जब अंदरूनी बात नहीं समझते तो तहकीकात क्या करोगे? अंदरूनी बात मतलब? बैठो, समझाती हूँ, फिर तहकीकात कर लेना। देखो कुछ चोरों की खासियत होती है कि वो इस कलाकारी से दबे पांव ऐसी चोरी करते हैं कि किसी को दिखाई नहीं देता, चेहरे से पलके चुरा लेते हैं लेकिन आंखों को दिखाई नहीं देता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बस मैडम बहुत हो गया, अब आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बताइए आखिर आपका चोरी क्या हुआ है? मेरा दिल चोरी हुआ इंस्पेक्टर आनंद। तुम? तुमने मेरा दिल चुरा लिया इंस्पेक्टर आनंद। अरे आइए आनंद बाबू, आइए आइए। इतना थका हुआ लग रहा है तू। अरे आनंद अंदर आकर बैठना, थक गया होगा। अरे बात क्या है यार, ये हो क्या रहा है? भाभी आनंद आया है, पानी ले आइए प्लीज। पानी? तेरी भाभी को भी आजकल तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। कितना काम करता है बेचारा और वो भी पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ। यार मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया है। और जब ये घर पर लौटता है तब भी पुराने केस में कुछ खोया खोया सा। हाँ यार ये तो है। आनंद जी कहाँ गए थे तुम? भाभी वो एक ड्यूटी थी। क्या? तो ड्यूटी थी? नहीं रे ड्यूटी नहीं, स्वीटी। स्वीटी बोल रहा था ना तू? अरे ये आप लोगों ने लगा क्या रखा है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है आपका? ये सवाल तुम हमसे कर रहे हो या पिछला केस ही चल रहा है दिमाग में? पिछला केस? वैसे कौन से केस में गए थे तुम आनंद? भाभी मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो एक बहुत मामूली केस के लिए गया था, चोरी का केस था, चोरी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चोर मिल गया? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। तहकीकात जारी है, मिल जाएगा। ओफो मानसी तुम समझ नहीं रही हो कि ये केस बहुत मामूली है लेकिन तहकीकात कुछ खास है। अच्छा क्यों आनंद? तो वैसे चोरी किस चीज की हुई थी आनंद जी? चोरी वो
मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर बताता हूँ। भाभी शुरू करो। हेलो। हेलो ऑफिसर। हाँ हाँ। आप जरा मेरे घर आ सकते हैं प्लीज? क्यों, क्या हो गया मैडम? मेरे घर में चोरी हो गई है। आपके घर में चोरी हो गई? हाँ। बताइए अपना एड्रेस बताइए। 55 एवेन्यू रोड वर्ली। डोंट वरी मैडम, मैं अभी आपके पास आता हूँ। पीटर। हाँ। घूर के क्या देख रहा है बे? भाभी है, बताना तो पड़ेगा ही ना। क्यों भाई? हाँ, हाँ, फिर? मुझसे अपने दिल की बात छिपाना सीख गया ना तू आनंद? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो वैसे भी आपको बताने ही वाला था। अच्छा? हाँ। तो जरा बताना हमें, कैसी लगी तुझे पूनम? ठीक है, अच्छी है। ये ऐसी बात कर रहा है जैसे कमीज और पतलून के बारे में बोल रहा है। तो और कैसे बोला जाता है? आनंद प्यार करता है उसे। हाँ भाभी। बताया उसे? अरे नहीं भाभी, अभी का अपना भी एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अप्रोच, जरा हटके। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन पहले पहले जो है लड़कियों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, थोड़े चक्कर लगवाने चाहिए, थोड़ा तपाना चाहिए, थोड़ा सताना चाहिए, बस इतना कि वो खुद छटपटा कर ये कह दे कि आनंद आई लव यू। इससे होगा ये कि जिंदगी भर हम 20 रहेंगे और वो 19। क्या पूनम, तुम्हारा एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अप्रोच है, जरा हटके। लड़की को पहले कभी भाव नहीं देना चाहिए, उससे चक्कर लगवाना चाहिए, तड़पाना चाहिए, सताना चाहिए, इतना कि वो खुद छटपटा कर कह दे आनंद आई लव यू। इससे ये होगा कि लड़का हमेशा 20 रहेगा और लड़की 19, है ना? वो तो मैं ऐसे ही बोला। सीना ठोककर झंडे गाड़ रहे थे। अबे ओए, झंडा उखाड़ कर घुटने पे आ जा। अरे माफी मांग ले वरना पूनम तो गई। अरे पूनम देखो देखो यार, आई एम सॉरी। जरा जोर से बोलना, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आई लव यू। आई लव यू टू। कब तक खामोशी का आसरा रहेगा? कब तक? कब तक दिल के जज्बात जुबां पर आकर रुक जाएंगे? कब तक? कब तक रहेगी ये तड़प, ये छटपटाहट? कब तक? बर्दाश्त का बांध अब टूटा जा रहा है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिख लिया? आज वो 3 शब्द कह देने हैं जो बरसों से मेरे दिल में गूंज रहे हैं। आई लव यू अजय। आई लव यू बड़े अक्षरों में। इस खत में मैं अपनी किस्मत कैद करके तुम्हारे हवाले कर रही हूं। अब इसे तुम मेरी बदकिस्मती बना दो या खुशकिस्मती, ये तुम्हारे हाथ में है। वाह अशोक भैया वाह। थैंक यू। मुझे ऐसा लेटर कोई लिख दे, मैं तो सातों जन्म उसके हवाले कर दूं। दरअसल ये हुनर मेरे अंदर बचपन से ही है, और लव लेटर के साथ शादी की गारंटी मानसी को मैंने ऐसे ही बोतल में उतारा था। पर तुम तो अजय को जानते हो ना, वो इस टाइप का आदमी नहीं है, पता नहीं उसे ये लेटर कैसा लगेगा। अरे मुझे तो डर ये है कि ये चिट्ठी पढ़कर वो सीधा सेहरा बांधकर हाथ में सिंदूर की डिबिया लेकर सीधा तुम्हें वरमाला पहनाने ना आ जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे इस खत को उस तक पहुंचाओ तो सही, फिर देखो उसका जलवा। झगड़ू ये लिफाफा इंस्पेक्टर अजय की टेबल पर रखाओ। जी। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। तुम आए हो कि नहीं देखने आई थी। अगर मैं अंदर आता तो उसी दरवाजे से आता और तुम्हें बाहर ही दिखाई देता। हाँ ये तो सच बात है। हाँ शर्मा, मैंने जो रिपोर्ट मांगी थी कमिश्नर साहब को देने के लिए तैयार है। सर वो मैंने आपके टेबल पर रखवा दी थी, देखिए सामने ही रखी होगी। हाँ मिल गए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अजय। सर आपने जो रिपोर्ट मांगी थी तैयार है। पिछले 6 महीने से ड्रग्स की वजह से शहर में जो ट्रेजेडीज हुई उसका ब्यौरा इसमें है। तारीख, जगह, जिस ड्रग का इस्तेमाल हुआ और विक्टिम के बारे में जानकारी सभी इसमें है। वेट, ये खत लिखना मेरी मजबूरी है। कब तक, आखिर कब तक खामोशी का आसरा होगा?
कब तक तुम मेरी निगाहों में जाहिर प्यार को अनदेखा करोगे, कब तक दिल से उठे जज्बात जबान पर आकर रुक जाएंगे, कब तक रहेगी ये तड़प, ये छटपटाहट, बर्दाश्त का बांध अब टूट चुका है, आज तुमसे सब कुछ कह डालना है, वो तीन शब्द जो मेरे दिल में न जाने कब से गूंज रहे हैं, आई लव यू अजय, इस खत में मैं अपनी किस्मत कैद करके तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, अब तुम इसे मेरी बदकिस्मती बना दो या खुशकिस्मती तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा फैसला सुनने को बेताब मैं मोदी गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, रेखा। काफी डिटेल रिपोर्ट है इंस्पेक्टर अजय। यस सर। मेरे ख्याल से तुम बाकी के केस बाद में सॉल्व करना, पहले ये वाला केस सॉल्व कर लो। अच्छी लड़की है रेखा, शादी क्यों नहीं कर लेते जब वो तुमसे इतना प्यार करती है। यस सर। सर मैं जाऊं? अब तक तो मैंने सारे हंसी मजाक बर्दाश्त कर लिए तुम्हारे, लेकिन इस बार तुमने हद पार कर दी। क्या क्या मतलब था उस लेटर का? ऐसी बेहुदा हरकत करने की हिम्मत तुमने कैसे की? जानते हो तुम्हारे उस काले चिट्ठे को मैंने रिपोर्ट समझकर कमिश्नर साहब को दे दिया, कितना शर्मिंदा होना पड़ा, कैसी खिल्ली उड़ी। बाज आओ अपनी इन हरकतों से और मुझ पर दोबारा ऐसा बाजमाने की कोशिश मत करो। कुछ कह नहीं रहा तो सर पे चढ़ी जा रही है। इतना नाराज तो कोई अपनों से ही होता है। इस बर्ताव का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अजय कि यह लड़की मतलबी है। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए इसने इसने मेरे साथ प्यार का ढोंग रचा था, नाटक कर रही थी मुझे फंसाने के लिए। आनंद नहीं भाभी, मत बैठिए इसके पास, ये हमारे बीच उठने बैठने लायक ही नहीं है। ये किस लायक है ये मैं तय करूंगी। भाभी तो फिर कुछ भी तय करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, इस लड़की का उन लोगों के साथ उठना बैठना है जिससे हम चारों सख्त नफरत करते हैं, ये ड्रग माफिया में इन्वॉल्व है। हाँ, ड्रग माफिया में। इसने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया है सिर्फ इस शहर में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बस। पूनम यासू पहुंच लो और मेरी तरफ देखो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ऊपर देखो। ये सब क्या है? कहां से आया तुम्हारे पास? किसके लिए काम करती हो तुम? कौन देता है तुम्हें ये सब? कहां जा रही थी तुम? जवाब दो। देखो पूनम, अजय के तमाम सवालों में से किसी का भी जवाब खामोशी नहीं है, तो ये मान लो जवाब तुम्हारी जबान ही देगी। अशोक तुम भी कैसे? मानसी प्लीज, या तो यहां चुपचाप बैठो या फिर अंदर चली जाओ। पूनम माजरा क्या है? यकीन कीजिए, आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है। मुझे पता नहीं था कि इस बैग में क्या रखा जाता था। मेरे ऑफिस वाले मुझे इस बैग को दूसरी ऑफिस में ले जाने के लिए कहते थे और मैं दे आती थी। मैं सिर्फ अपनी नौकरी कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि मैं गुनाह कर रही हूँ। हाँ तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना, कल ऑफिस वाले कहेंगे कि कुएं में छलांग लगा दो और तुम लगा दोगी। अरे नासमझी का ढोंग कर रही है, दो चार आंसू बहाकर समझती है बच जाएगी। आनंद पूनम वाकई नहीं जानती थी कि उस बैग में क्या था, ये बेकसूर है। What? What nonsense अजय, तुम कैसे जानते हो और इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास? इसकी आंखों की सच्चाई। अशोक देखो, तुम इसकी भोली सूरत और इसके मासूम चेहरे पे मत जाओ। हमें ड्यूटी करना मत सिखाओ आनंद, तुमसे ज्यादा तजुर्बा है नौकरी का, गुनहगारों को और बेगुनाहों को एक ही नजर में पहचान लेते हैं हम। तुम्हारी नजरें धोखा भी। बस भी कर आनंद, तुझे तो हर चीज में गुनाह नजर आता है, पहले शक करेगा फिर गुनाह साबित करने के लिए बहस करेगा। पुलिस वाले की नजर के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज में गुनाह की गुंजाइश होनी चाहिए। पूनम फौरन जाकर यह बैग वहां पहुंचा दो जहां तुम्हें ले जाना था, वरना तुम्हारी जान पर आफत आ जाएगी। आती रहे आफत, अगर ये सब जानने के बाद ऐसा काम नहीं कर सकती। नहीं पूनम, हमारी खातिर तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी हिफाजत के लिए हम सब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इस गुनाह के ठिकाने तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज।
अब साले नहीं बच सकते। चलो इस ऑफिस पर रेड मारकर जिंदल को गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं अजय, जिंदल इस गंदे तालाब की बहुत छोटी मछली है। अगर हम इसे गिरफ्तार करते हैं तो राणा चौकन्ना हो जाएगा। हमें इसके जरिए राणा पर ही धावा बोलना है ताकि इस ड्रग माफिया को हम जड़ से उखाड़ सकें। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी सर, मैं आपको घर पर ही डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये कुछ जरूरी पेपर्स थे, आप इन पर साइन कर देंगे प्लीज? याद है पूनम, मुझ पर तुम्हारी प्रमोशन की पार्टी उधार है। अगर आज रात तुम फ्री हो तो डिनर पर साथ चलें? I'm absolutely free, sir. आज रात मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सब पेपर्स, पेपर्स सर। ओह सॉरी सॉरी। परसों में 10 करोड़ की डील करने जा रहा हूँ, उसके बाद बाजी अपने पूरे कारोबार की बागडोर मेरे हाथ में दे देंगे। फिर देखना मेरे जलवे पूनम, फिर देखना। हाँ डील परसों होने वाली है विक्की। कहाँ? चाइना टावर के बेसमेंट में रात के ठीक 11 बजे। जोजो। हाँ विकी, माल देखोगे? देखना क्या है जोजो, राणा साहब के लिए अच्छा माल लाना तुम्हारी मजबूरी है और ये उनके साथ धंधा करने वाला हर आदमी जानता है। राणा साहब तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाले मुर्गी हैं। और इस बार पूरे 10 करोड़ का अंडा दिया है ना जोजो? बेशक। ए, माल निकालो। जॉन, पूरे 10 करोड़ हैं जोजो, गिनोगे? 10 करोड़ तक की गिनती किसको आती है विकी? क्या बजा है? रात के 2 बजे हैं और अदालत खुलती है सुबह 10 बजे, यानी कि 10 बजे से पहले तेरी जमानत नामुमकिन है। तो अगले 8 घंटे तेरा वो भाई राणा तेरी जमानत के लिए तड़पेगा और तू यहां हमारे साथ छटपट आएगा। और 8 घंटे हमारे लिए काफी ज्यादा है तुझसे तेरे भाई की गुनाह की कुंडली लिखवाने के लिए। कल सुबह तेरा भाई राणा बेशक तेरी जमानत तो करवा लेगा, लेकिन तब तक तेरे बयान के दम पर हम उसका अरेस्ट वारंट भी जारी करवा लेंगे। विकी, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट अपना मुंह मत खोलना, दिल्ली से फोन आता ही होगा। ये गीदड़ भपकी किसी और को देना राणा। सुनोगे अभी दिल्ली से एक शेर की दहाड़ सुनोगे, हैं? सिर्फ 5 मिनट बाद। हेलो। जी सर। इंस्पेक्टर अशोक, क्राइम ब्रांच। क्या सर? इसी वक्त? तुम्हारा हुक्म सुनने के लिए बेचैन हूं इंस्पेक्टर। छोड़ दो इसे। देखा मेरा रुतबा इंस्पेक्टर, सिर्फ 5 मिनट। इतने सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि तुम्हारा कायदा कानून सब मेरी मुट्ठी में। चल विके। लंबी चौड़ी पलटन होते हुए भी
विकी पुलिस के हाथ कैसे लगा? यानी तुम लोग अपनी जान को ज्यादा जरूरी समझे विकी की जान से? सबसे अहम सवाल जिसका जवाब नहीं मिला तो मैं कत्लेआम मचा दूंगा। वो 10 करोड़ रुपए वाला सूटकेस तुम्हारे पास था ना? ना ही मुझे 10 करोड़ के ड्रग्स मिले, ना ही रुपए। वो बैग कहाँ है? राणा साहब पता नहीं भागदौड़ में बैग कहाँ चला गया। हेलो पूनम, दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। जो सुराग तुमने मुझे दिया था वो सही निकला। आपका शुक्रिया कबूल किया। गुड बाय इंस्पेक्टर। पूनम क्यों, अब कोई और इल्जाम लगाना बाकी है क्या? पूनम तुम अब तक मुझसे नाराज हो? तुम्हें शायद नाराजगी और नफरत का फर्क नहीं मालूम। नहीं पूनम, देखो ऐसी बातें मत करो। तुमने कैसी कैसी बातें की थी याद है? मैं गिड़गिड़ाती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मैं जितनी ज्यादा गिड़गिड़ाती रही तो मुझ पर उतने ही ज्यादा इल्जाम लगाते गए। तुम्हारे हर अल्फाज से नफरत टपक रही थी। पूनम मुझे माफ कर दो। आनंद, रत्ती भर शर्म भी अगर तुम्हारे अंदर बाकी हो तो दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। पूनम इंस्पेक्टर, मैं इतनी आसानी से मेरे 10 करोड़ नहीं गवाऊंगा। जान लेता रहूंगा हर उस शख्स की जिस पर मुझे शक है। मेरे 10 करोड़ पर कोई भी ऐश नहीं कर पाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरे वो 10 करोड़ रुपए कहाँ है। राणा, अगर मुझे मालूम होता कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ है तो अभी तक मैंने तेरी उस पाप की कमाई को सरकारी खाते में जमा करवा दिया होता, समझा? काहे को अपना खाना खराब करता है, काहे को हमारे गैर सरकारी खाते से कर्ज लेता है? शराफत से बता दे। मैं कुछ नहीं जानता, अगर जानता तब भी नहीं बताता। हमारे भाई की हालत कैसी है? जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता तब तक हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल इसकी जो हालत है उसे देखकर आपको क्या लगता है? हालत काफी नाजुक है, खासकर दोनों टांगों की जहां पे सबसे ज्यादा चोट आई है। सर, आपने देख लिया क्या नतीजा होता है जब कानून मुजरिमों को जमानत खैरात की तरह बांटता है। कानून हमें लाचार करता है और मुजरिम अपाहिज बना देते हैं। देखिए कैसे मरीज बनकर पड़ा है हमारा आनंद। देखो मैं तुम लोगों की फीलिंग समझता हूं, लेकिन इस वक्त तो यही दुआ की जा सकती है ना कि आनंद को होश आ जाए और वो उसका नाम बता दे जिसने हरकत की। एक पुलिस वाले पर हमला करके उसने हमारी वर्दी पर थूका है। अशोक, अब ये तुम्हारा जाति मामला नहीं, अब तो ये मेरा भी जाति मामला हो गया है। मैं उस आदमी को बख्शूंगा नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। आई प्रॉमिस यू।
होश आ गया। आनंद, आनंद, हाँ हाँ तेरा अजय, आनंद देख सब है यहाँ। आनंद, आनंद किसने की तेरे साथ हरकत बोली? हाँ आनंद, हाँ हाँ राणा, कहाँ जा रहे हो अशोक? पीटर अब हमारे सारे रास्ते राणा की तरफ मुड़ गए हैं। अशोक, आनंद की हिफाजत के लिए यहाँ कोई भी तो होना जरूरी है। आनंद जिंदा है ये खबर अगर राणा को मिली तो हो सकता है कि वो फिर से हमला करवाए। अविनाश, तुम आनंद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ, हम दोनों राणा से मुलाकात करके आते हैं। भाभी, भाभी प्लीज आनंद को बोल दो मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन अगर अब उसने मुझे कोई भी सजा दी ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कहां मर गए सबके सब? क्या है? यार अपने दोस्त के टांगों में जान फूंक कर उसे खड़ा तो कर लेंगे, लेकिन तू सारी जिंदगी रेंग रेंग कर गुजारेगा। अशोक, देखो तुम्हारे डिपार्टमेंट के उन दो पुलिस ऑफिसरों ने राणा साहब की हत्या कर दी। राणा का कत्ल कर दिया? घर में घुसकर मार डाला मेरे भाई को। मैं और यहां मौजूद मेरे सारे आदमी चश्मदीद गवाह हैं इस कत्ल के। सर, आप इतनी सुबह यहां? आनंद को होश आया था? हाँ, थोड़ी देर के लिए। उसने राणा का नाम लिया था? जी सर। और तुम लोगों ने जाकर राणा का कत्ल कर दिया? राणा का कत्ल? यस। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर? सर हम पर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या ये भी झूठ है कि कल तुम लोग राणा के घर गए थे? नहीं सर, हम राणा के घर गए थे लेकिन हमने उसका कत्ल नहीं किया। विकी और राणा के आदमियों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल तुम दोनों ने जाकर राणा का कत्ल कर दिया। सर विकी झूठ बोल रहा है। सर आपको हम पर भरोसा नहीं? जब हम आपसे कह रहे हैं कि हमने राणा का कत्ल नहीं किया, आप उस अशोक, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं तुम लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते। मैं ये भी जानता हूं कि ये तुम लोगों के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, लेकिन मैं उस पुलिस रिपोर्ट का क्या करूं जिसमें विकी ने राणा के आदमियों के साथ मिलकर तुम दोनों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। मेरे ख्याल से तो ऐसी सूरत में एक ही रास्ता बचता है, जब तक असली गुनाहगार पकड़ा नहीं जाता तुम लोग यहां से फरार हो जाओ, इस शहर से बाहर चले जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हारी गिरफ्तारी के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन सर आप हमें अजय, एक...
कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं, अगर हम गिरफ्तार हो गए तो हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों की गैरहाजिरी में मैं राणा के कातिल का पता लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, अगर हम शहर छोड़कर कहीं छुप भी जाते हैं तो आपके कॉन्टेक्ट में रहना बहुत जरूरी होगा। हमारा अरेस्ट वारंट इश्यू होते ही एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से वीके के आदमी हमारी तलाश शुरू कर देंगे। एक काम करो तुम लोग, ये मोबाइल फोन अपने पास रखो, इसका नंबर सिर्फ मुझे मालूम है। जहां भी पनाह मिले वहां पहुंचते ही मुझे फोन करो, मैं तुम्हें यहां के हालात के बारे में बताता रहूंगा और मुमकिन हुआ तो मिलने भी चला आऊंगा। ठीक है सर, तो फिर मैं और अजय कुछ दिनों के लिए फरार हो जाते हैं। सिर्फ तुम और अजय नहीं, सबको साथ लेकर जाओ। अगर किसी एक को भी पीछे छोड़ा तो उस पर दबाव डालकर तुम लोगों को वापस बुलाया जा सकता है। तुम दोनों को फरार होना है, इसका मतलब सबको फरार होना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू सर। लेकिन अशोक, हम जाएंगे कहां? अविनाश कहाँ जा रहा है? यार वो एक बैग भूल गया, अभी लेकर आया। ताला लगा के आना। ओके। सबको भी मरना होगा, लेकिन एक आम मौत नहीं, धमाकेदार मौत, जैसे चितड़े उड़ गए उनके जोड़ीदार की वैसी मौत। आनंद से कह दो कि जल्दी होश में आए, यहां सबको इसकी सख्त जरूरत है। क्या लगता है अशोक, इस जगह का पता चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इन पेड़ों की वजह से कोई सोच भी नहीं सकता कि इनके पीछे ऐसी कोई जगह भी हो सकती है। इससे बेहतर जगह तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। डर सिर्फ एक बात का है। क्या? दबाव डाल के मजबूर करके बाबूजी से कोई इस जगह का पता ना लगा ले। उनसे कोई बात उगलवाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। ए! सवाल का जवाब सीधे सीधे दो, उल्टी बात नहीं। अफसोस इंस्पेक्टर साहब, अफसोस, आपकी चंद बातों में मुझे कई अफसोस हुए हैं। पहला है कि जज्बात की बात आपको उल्टी लग रही है, तभी आपने पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की मदद नहीं करके आप उन्हें मुजरिम का लेबल लगाकर तलाश कर रहे हैं। दूसरी अफसोस की बात यह है कि उनके जिगरी दोस्त को आप पूछ रहे हैं उनका पता। और मुझे हंसी आ रही है, अगर मुझे उनका पता मालूम है ऐसा समझो, क्या मैं आपको बताऊंगा? मुजरिम को शह देना भी एक जुर्म है। अरे जब तुम्हारा कानून मेरे यारों के जज्बे की कदर नहीं कर पाया,
उस कानून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और अगर दोस्ती करना जुर्म है तो मेरा जुर्म सबसे संगीन है। आप जब चाहे मुझे ले जा सकते हैं पूछताछ करने के लिए, मैं दम तोड़ूंगा लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। अब आप जाएंगे? अशोक, तुम लोग यहाँ का ख्याल रखो, मैं बाहर जाकर पहरा देता हूँ। अच्छा, तो अंधेरे का फायदा उठाकर आंसू बहाए जा रहे हैं? I'm sorry अशोक भैया, क्या करूं? बहुत कोशिश कर रही हूं पर ये आंसू है कि रुकी नहीं रहे। ए पूनम, बड़ा बहादुर है अपना ये आनंद, तू देखना अपने आप को बिल्कुल फिट कर लेगा और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। चलो भाई आ जाओ, खाना तैयार है। अरे वाह, खाना तैयार है, हम सब साथ खाएंगे। आओ आओ, चलो बाकी की चीजें। उफ, आज बहुत भूख लगी है, बैठो सेट। कौन है? तू जाके खाना खा, मैं यहां पर हूं। अजय टॉर्च। भाभी भाभी, देखो आनंद को होश आ गया। अच्छा देखो, देखो आनंद को होश आ गया, रेखा देखो ना। बिना एप्लीकेशन के छुट्टी पे गया था साले। यार अजय, ये हम लोग कहाँ गए यार? वहीं जहाँ थे अपने यारों के साथ। भाभी, ये जो मेरा दोस्त है ना, कभी सीधा जवाब नहीं देगा, तुम ही बताओ ये हम लोग कहाँ हैं? आनंद, ये मेरे डैडी का फार्म हाउस है। फार्म हाउस? लेकिन हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? होश में आते इतने सवाल, क्या इम्तिहान ले रहा है? अरे इतने सारे सवालों के जवाब तो मैंने पुलिस के नौकरी के इंटरव्यू में भी नहीं दिए थे। और तुम्हारे होश में आने की खुशी में हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा, पूनम। अरे इसकी माफी पाने के लिए तो मैं बेहोश हुआ था, अब तो पूरी तरह होश में हूँ। बेहोशी का तो सिर्फ नाटक कर रहा था। भारतीय नारी है ना, बड़ी इमोशनल चीज होती है, थोड़ा सा बीमारी का नाटक करो झट से माफ कर देती है। अरे यार, ये व्हीलचेयर यहाँ क्यों है? अरे तुम लोग चुप क्यों? ये व्हीलचेयर किसका है अजय? तुम लोग सब मुझसे जलते हो, अब सरकार ने मुझे तुमसे बेहतर ऑफिसर मानकर एक पर्सनल गाड़ी दे भी दी, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है यार? हाँ क्यों भाभी? यार अजय, अपना वो रोड साइड रोमियो कहाँ गया? वही फुटपाथ या फरार, मैं बेहोशी की हालत से होश में आ गया, लेकिन ये जनाब है कि अभी तक सो रहे। लेकिन मैं जानता हूं अपने सपने में भी किसी ने किसी शीरी को पटाने की कोशिश करा होगा। अबे मजनू की औलाद, कम से कम 2 मिनट आके मिलके तो जा, फिर सो जाना। यार बहुत दिनों से नहीं देखा। अविनाश, ए अविनाश, देखा भाभी कमबख्त जवाब भी नहीं देता। तभी अविनाश, ए अजय, ये भाभी क्यों रो रही है यार? हाँ तू कुछ बोलता क्यों नहीं?
अविनाश कहाँ है? कहाँ है अविनाश? चिल्ला मत! तू चैन से दो मिनट बैठ नहीं सकता? जब से होश में आया है सवाल पे सवाल, ये क्यों, वो क्यों, ये कहाँ, वो कहाँ, अविनाश, 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 तूने बुलाया ना उसे? लेकिन नहीं आया वो, अगर होता तो आ नहीं जाता। तू समझता क्यों नहीं है आनंद? अविनाश इज डेड, मार दिया गया उसे। नहीं, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है ना, बकवास करता है तू। मैं तेरी बात को नहीं मानता, नहीं मानता तेरी बात को। नहीं मानने से हकीकत नहीं बदलेगी आनंद, अपना अविनाश चला गया। नहीं, लेकिन तू आंखों में आंसू मत लाना। मैं और अशोक भी नहीं रोए थे, क्योंकि हमारा दोस्त अगर आसमान के उस पार से अपने आंसू देख लेगा ना, तो बहुत रोएगा, बहुत दुखी होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उन दोनों ऑफिसर्स की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे उनके फर्ज, उनकी ईमानदारी, उनके जज्बे का काफी तजर्बा है। तजुर्बे गलत भी तो हो सकते हैं सर, लेकिन सबूत जिस सच्चाई को साबित कर रहा है, हम उस पर ज्यादा यकीन करेंगे। मैं मानता हूं कि विकी और वहां मौजूद उसके तमाम आदमी एक सुर में ये गवाही दे रहे हैं कि राणा का कत्ल अजय और अशोक ने किया है, लेकिन आप लोग ये क्यों भूलते हैं कि ये सब लोग एक ही गुट के हैं? ये भी तो हो सकता है कि ये अजय और अशोक के खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन ये बताइए, उन्हें किन मजबूरियों में फरार होना पड़ा? फरार तो हमेशा मुजरिम होते हैं, और मुजरिम भी वो एक ऐसे आदमी के कत्ल के हैं जो एक अच्छा खासा नामी गिरामी शख्स था। और कल को अगर पब्लिक ने पुलिस डिपार्टमेंट से सफाई मांगी तो हम क्या जवाब देंगे सर? इससे पहले कि बात आपे के बाहर चली जाए, हम उन दो ऑफिसर्स को तलाश करके कानून के सामने पेश करें, क्योंकि वर्दी पहनकर गुनाह करने वाले कानून की निगाह में ज्यादा संगीन मुजरिम कहलाते हैं। हम अपनी तरफ से उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं विकी साहब। पुलिस फोर्स को मैं इतना नालायक कभी। मिस्टर विकी, अपने लफ्जों का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर करिए। अगर आपके किसी सगे वाले का इतने बेरहमी से कत्ल होता तो मैं सुनना चाहता कि आप किन लफ्जों का इस्तेमाल करते। मिस्टर विकी, आप हद से बाहर जा रहे हैं। आपको मेरी हदों का पता नहीं कमिश्नर साहब, मैं आपको थोड़े दिनों की और मोहलत देता हूँ, उसके बाद मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर पब्लिक के सामने ये जाहिर करवा दूंगा कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट उन दोनों मुजरिमों को शह दे रहा है, क्योंकि वो दो मुजरिम पहले पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। और आपकी तमाम कोशिशों का कोई नतीजा ना निकलना, यानी कि किसी न किसी की कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत है। फिलहाल तो मैं उन दोनों कातिलों को ढूंढ निकालने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रहा हूं, और ये मेरे बर्दाश्त की आखिरी हद होगी। इसके बाद अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत ऊपर उछालता हूं ना, तो शिकायत मत करिएगा। आखिर ये दोनों है कहां? फोन तक नहीं किया। मानसी, खाना आज बहुत बढ़िया बना था। अच्छा, चलो तुम भी खा लो। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरा आज व्रत है अशोक। व्रत? किस बात का? वो मैंने ऐसे रख लिया। ऐसे ही रख लिया मतलब? अब हर बात का क्या मतलब होता है अशोक? मैंने आज रख लिया बस। तो इसलिए व्रत रखा था तुमने?
अशोक, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूं, मगर कहना भी जरूरी था अशोक। राशन बहुत कम बचा है, सुन अशोक, अशोक मेरी बात सुन अशोक, मैं चला जाता हूँ। तू जाए या मैं जाऊँ एक ही बात है, मेरी बात मान, तू यहाँ रुक, मैं बस गया और आया। संभल के जाना अशोक। सुनिए ये नंदू जी, देखो क्या चाहिए साहब को। हाँ क्या चाहिए साहब? 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल और 2-2 किलो आलू और प्याज, जल्दी से पैक कर दो। नंदू मैं अभी आया। देखो अब तक तो हम सिर्फ पुलिस की नजरों में फरार मुजरिम थे, लेकिन अब हर वो शख्स जिसने उस अखबार में हमारी तस्वीर देखी होगी हमारा पीछा करेगा। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है अजय, वो दुकानदार डेफिनेटली हमारी खबर देगा। क्या उसने तुम्हें पहचान लिया था? उसकी नजरों से मुझे ऐसा ही लगा। यानी कि यहाँ से एक कदम भी बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है, और यहाँ बैठकर हम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? एक तरफ विक्की के लोग और दूसरी तरफ पुलिस, और तो आम लोग भी हर चेहरे में हमारा चेहरा ढूंढेंगे। और कमिश्नर साहब ने भी तो हमें फोन करके कुछ नहीं बताया, वो तो हमें मोबाइल पर फोन करके बता सकते थे कि हमें क्या करना चाहिए। शायद हमें उनको फोन कर लेना चाहिए। अजय मोबाइल दे। मेरे पास कहाँ है? क्या बात कर रहा है, कमिश्नर साहब ने तुझे ही तो दिया था। मैंने अविनाश को दिया था। तू उसे अपने पास क्यों नहीं रख सकता था? अशोक मुझे क्या पता था कि अविनाश के साथ ऐसा हादसा होगा। प्लीज आई एम सॉरी, इसका मतलब यह है कि वहां जो हो रहा है हमें उसका कुछ पता नहीं। हो सकता है कमिश्नर साहब ने हमें फोन करने की कोशिश भी की हो, लेकिन अजय अगर हम अपनी बेगुनाही साबित करने से पहले पकड़े गए तो हमारा पछताना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन होगा। अशोक, अशोक, अजय, अरे कहाँ हो तुम लोग? देखा, लगता है उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया है। तुम इन दोनों के साथ यहीं रुको। अजय, अरे बावस की तरफ कोई आ रहा है, जल्दी। अजय, अरे रेखा घबराना मत, ये अपना पीटर है। धीरे बोलो, धीरे बोलो, तेरी आवाज अगर पुलिस वालों तक पहुंच गई तो मुसीबत हो जाएगी। चुप भैया। पीटर, तुझे इस ठिकाने का पता कैसे चला? अशोक के ससुर जी से। अरे पूरे 2 घंटे कसरत करने के बाद जब उन्हें यकीन हुआ कि अपनी दोस्ती में कोई खोट नहीं, तब जाके उन्होंने मुझे पता दिया। और क्योंकि पुलिस वाले मुझ पर नजर रखे हुए हैं, मुझे भेष बदल कर आना पड़ा। दाढ़ी भी लगाई थी। अपनी जान पे इतना खतरा क्यों मोल लिया पीटर? हबीब, आप सब लोगों के बिना मैं वहां वैसे भी बेजान हो गया था, तो अपने अंदर जान डालने के लिए मैंने ये खतरा मोल लिया। पीटर, वैसे वहां के हालचाल कैसे हैं? बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। शहर भर को छानकर पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। पुलिस वाले कानूनी कोशिश कर रहे हैं और राणा का ग्रुप गैर कानूनी कोशिश।
भाभी तुम लोग अचानक निकल गए तो जरूरत का सामान राशन पानी वगैरह मैं लेकर आयो, कार में रखा है मैंने। पीटर, थैंक्स। अरे तुम लोगों का थैंक्स सुनने के लिए मैं दूसरी खास चीज ले आया हूं। क्या? डेंटेडेन। अरे एक ही नहीं, पूरे का पूरा बार पैक करके लाया हूं। नहीं पीटर, अब इसकी जरूरत नहीं रही। पहले जब हम सब यार साथ बैठकर पीते थे तो उसका नशा अलग था, लेकिन जब से अविनाश गया है काफी सारी चीजें हमारे दिल से अलग हो चुकी हैं। उनमें से एक ये भी है। पीटर के आने से यहाँ एक नया जोश सा पैदा हो गया है ना। हाँ, उसने आनंद को फिर से हंसना सिखा दिया है। वजह चाहे जो भी हो, उसके आने से एक नई उम्मीद सी पैदा हो गई है। डेफिनेटली। देखा? हाँ? भाभी आप ठीक तो है ना, क्या हो गया आपको? हाँ? भाभी देखा, देखो ना, अजय, अशोक भैया, आनंद बाहर आओ। क्या हुआ? हाँ अशोक भैया, किया तुमने और पूछ हमसे रह। ए, वन सेकंड, क्या किया मैंने? अरे भाभी, अबे साले तू बाप बनने वाला है। अबे ओ मुन्ने के बापू। अरे कमाल हो गया यार, चाचा चाची ताऊ किसी को खबर तक नहीं और चुपचाप बाप बनने चले। ये अच्छा नहीं किया। लेकिन भाभी, इस होने वाले ताऊ ने अपने भतीजे का नाम सोच लिया है। अच्छा? हाँ। तो क्या आप उस नाम को हमें बताएंगे? क्यों 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 नहीं, क्यों नहीं। अविनाश। आनंद तो ठीक तो है? आनंद
रख दो अब तो हमको दिल से क्या लगाना, कुछ तो समझो समझो कुछ तो किस्मत के फैसले पे कब किसका जोर है, उलझे तो सुलझ दिए जीवन की रोल है, खुशियों से खेलो गम बाजू में रख दो अब तो हमको दिल से क्या लगाना, कुछ तो समझो समझो कुछ तो ओहो तो समझ चुका है, अब जवाब ही देता जा, बाद में बात करते अशोक, बात तो अभी होगी। तू बात को इतना बड़ा क्यों रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने बरसों की दोस्ती में आज पहली बार तू मुझे समझाना नहीं चाहता और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल पूछने पड़ेंगे या जवाब खुद देगा? तो पूछ, क्या पूछना चाहता है? अचानक ये मोबाइल फोन कहां से पैदा हो गया? ये तो वही फोन है ना अजय, जो कमिश्नर साहब ने तुम्हें दिया था। तेरी खामोशी को चीर कर मैं हर सवाल का जवाब निकाल सकता हूं अजय, लेकिन बेहतर होगा कि इस सवाल का जवाब तू खुद दे। ये वही फोन है ना जो कमिश्नर साहब ने तुझे दिया था? हाँ हाँ वही फोन है, वही फोन है। इसका मतलब तुमने तुमने हम सब से झूठ बोला था? अजय, हम लोगों ने यहाँ एक कैद खाना बनाकर अपने आप को यहाँ कैद कर रखा है, हर एक लम्हा जैसे उम्र को चीरता हुआ गुजर रहा है, और तू? जबकि तुम जानते थे कि ये मोबाइल फोन हमारे लिए जमानत की तरह था। बेबसी और लाचारी पत से पत्तर होती जा रही है, हराहट में खतरे की महक है, बाहर हालात कितने अच्छे हैं कितने बिगड़ चुके हैं हमें कुछ मालूम नहीं, अंजाम से जो उम्मीद थी वो तक मिटती जा रही है। सिर्फ कमिश्नर साहब आशा की एक उम्मीद थे, लेकिन अपने झूठ अपने फरेब से तो उसे तक मिटाने की कोशिश कर बैठा। और तुमने अपने झूठ के लिए अविनाश की मौत तक का इस्तेमाल किया, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं नहीं चाहता था कि कमिश्नर साहब को इस ठिकाने का पता चले, मैंने तभी फोन ऑफ कर दिया था कि कमिश्नर तो क्या उसका फोन भी हम तक ना पहुंच पाया, मुझे उस कमिश्नर पर कतई भरोसा नहीं है। अपने झूठ को छुपाने के लिए तू कमिश्नर साहब पर आरोप लगा रहा है? वो कमिश्नर साहब जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, जो हमारे बाप के समान है, उन पर तू? जब तुझे मेरी बात पे भरोसा ही नहीं तो क्या फायदा आगे बात करके? अजय तू इस बात, अजय ये फोन देकर जा। कहाना नहीं दूंगा। अजय ये फोन देकर जा। कहाना नहीं दूंगा। क्या करेगा, गोली मारेगा? मारना, मार मुझे, अरे मारना गोली। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब, मैं इंस्पेक्टर अशोक बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच। अशोक, कमाल करते हो तुम लोग, इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया? मैं तो घबरा गया था, ना कोई खबर ना पता ठिकाना। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम लोग हो कहाँ? एक मिनट रुको।
आंखें खोलो भाभी, आंखें खोलो भाभी। भाभी भाभी, आनंद फिर से चलने लग गया। गन छोड़, चल आगे। अब मैं अपने भाई का बदला किन किन कर और तड़पा तड़पा कर लूंगा। ए! यहां का पता तुझे किसने दिया? किसने भेजा तुझे यहां पर? मुंह में हाथ डाल के सच्चाई निकालना मुझे आता है, समझा? बोल कमिश्नर। नहीं नहीं अशोक, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी बेगुनाही इसी के जरिए साबित होगी। कमिश्नर की हकीकत अब यही सबको बताएगा। लेकिन अब करना क्या है अशोक? चलने लगा, पैरों के साथ साथ दिमाग भी चलने लगा। इसे कमिश्नर ने यहां हमें मारने के लिए भेजा था ना, और मौत के साथ साथ आदमी के ऊपर से हर खतरा मिट जाता है। मतलब? मतलब ये कि अब एक खुशखबरी ये विक्की कमिश्नर को देगा कि हम सबको मार दिया गया है। हेलो, तीनों का काम तमाम कर दिया कमिश्नर। वाह विक्की वाह, यानी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए तुमने उन तीनों के सीने पर, शाबाश। कमिश्नर कमिश्नर, कमिश्नर ऊपर भी नहीं, हमारी मौत की खुशी का जश्न मना रहा होगा। लेकिन इतनी रात को वो गया कहां पर होगा? पार्टनर, अशोक आनंद अजय सब परिवार खत्म, फिनिश। आज नहीं तो कल उन तीनों को मरना ही था। सारी रुकावटें मिट गई अविनाश, अब हम ऐश करने के लिए आजाद हैं। दुआ देता हूं मैं उस दिन को कमिश्नर, जिस दिन मुझे तुम्हें पार्टनर बनाने की सूझी, राणा के 10 करोड़ की डीलिंग की खबर पता चली और मैं तुम्हारे पास प्लान लेकर आ गया। और उस पार्टनरशिप का नतीजा, एक ही झटके में 10 करोड़ पर कब्जा। क्या वक्त पर गोली चलाई थी, वाह। वैसे अविनाश, राणा के कत्ल की जरूरत थी? राणा के कत्ल की इतनी जरूरत नहीं थी जितना कि उस कत्ल का इल्जाम अशोक और अजय पर थोपने की थी। जब तक ये लोग जिंदा रहते तब तक हमारी आजादी पर बंदिश रहती। राणा का कत्ल, इल्जाम
अशोक और अजय पर, और फिर उन्हें शहर से फरार होना पड़ा। और फरार होने से पहले अविनाश कहाँ जा रहा है यार? वो एक बैग भूल गया, अभी लेकर आया। ताला लगा गया ना? ओके। वाह अविनाश, तुमने अपने ही घर में अपने ही बम से खुद अपने आप को उड़ा दिया। बुरा मत मानना यार, तुम्हारा ये कमीनापन काबिले तारीफ है। ये क्या मजाक है अविनाश? बहुत हंसी मजाक हो गया। मेरे हिस्से के 5 करोड़ कहाँ हैं? मिल जाएंगे। आज देने का तय हुआ था। अविनाश कल मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी शान में पुलिस डिपार्टमेंट ने एक जलसा रखा है। जैसे ही जलसा खत्म होगा मैं खुद तुम्हारे 5 करोड़ लेकर यहाँ आऊंगा, मेरा यकीन करो। यकीन? 5 करोड़ के लिए तो मैं अपने बाप पर यकीन ना करूं। अविनाश देखो, बस कल तक रुक जाओ। अब जब तक मेरे 5 करोड़ मेरे हाथ में नहीं आते, मैं हर जगह तेरे साथ रहूंगा, यहां तक कि उस जलसे में भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि अब तेरी नियत पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है कमिश्नर। भागने की कोशिश कर रहा है। ये तो वही सूटकेस है जो मौका वारदात से गायब हुआ था। मतलब ये सूटकेस कमिश्नर ने गायब करवाया था। यानी राणा के कत्ल के साथ भी कमिश्नर का लेना देना है, और उसे मैं अपने भाई का खास आदमी समझता रहा। हमारे पुलिस कमिश्नर मिस्टर सिंह ने पुलिस डिपार्टमेंट की 33 साल खिदमत की, जुर्म का डटकर मुकाबला किया, और 33 साल के अरसे में इन्होंने अपनी वर्दी पर एक भी दाग आने नहीं दिया। कल से इनकी कुर्सी पर मुझे बैठने का आदेश मिला है, लिहाजा इनकी सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आएंगी। ये सोचकर जरा डर सा लगता है, इन्होंने अपने कारनामों से पुलिस की इज्जत को कहां से कहां पहुंचा दिया है, और अब मैं कहां पहुंचा पाता हूं ये देखने की बात है। कमिश्नर साहब की इज्जत अफजाई के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल आइटम पेश की जाती है। थैंक यू। आओ बतलाता हूँ तुमको, आओ बतलाता हूँ तुमको क्या दौलत के राज है, आओ बतलाता हूँ तुमको क्या दौलत के राज है। बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है, सोचे फायदा दूजे का नुकसान भले हो अपना सोचे फायदा, इस युग का दस्तूर यही है सबका यही है कायदा, इसकी टोपी उसके
इसके सर उसकी टोपी इसके सर है दौलत के मैदान में चलता है खेल ये अक्सर पर अपना भला बुरा खुद देखो अपना भला बुरा खुद देखो वक्त की ये आवाज है बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है की बात है दौर बदलता रहता है सब वक्त वक्त की बात है कुछ कर्मों का लेखा जोखा कुछ किस्मत की बात है किसी की टोपी किसी पे धरना लेकिन किसी का बुरा न करना हक न किसी का मरे अगर तो प्यारे सब कुछ माफ है वरना जान ले इतना वरना जान ले इतना उसकी लाठी बे आवाज है तो बाबू ए बाबू बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है आओ बतलाता हूँ तुमको क्या दौलत के राज है आओ बतलाता हूँ तुमको क्या दौलत के राज है बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है अरे बाबू ओ बाबू बच के ये दुनिया टोपी बाज है 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 गिरफ्तार कर लो इन तीनों को गिरफ्तारी तो होगी लेकिन इन तीनों की नहीं तुम्हारी क्या जी हाँ ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट आपको बाइज्जत विदा करने के लिए नहीं गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा हुआ है गिरफ्तार क्यों उस गुनाह के लिए जिसका इल्जाम तुमने हम पर थोप दिया था मेरे भाई के कातिल तुम हो कमिश्नर नहीं मैंने राणा का कत्ल नहीं किया अच्छा तो विकी को हमारी मौत बनाकर क्यों भेजा था विकी ने सब कुछ कबूल कर लिया है कमिश्नर साहब और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसका बयान सुन चुका है झूठ बोलता है विकी मैं बेकसूर हूं बेकसूर लोगों के घर से 10 करोड़ की नाजायज दौलत बरामद नहीं होती कमिश्नर राणा का यह सूटकेस तुम्हारे घर कैसे पहुंचा साजिश बहुत अच्छी थी पहले तुम मौका वारदात से 10 करोड़ गायब करते हो फिर राणा का कत्ल करते हो उस कत्ल का इल्जाम हम पर आता है और तुम ही हमें मशवरा देते हो कि हम फरार हो जाएं, फिर हम ही को खत्म करने के लिए तुम विकी को भेजते हो कबूल करो कि राणा का कत्ल तुमने किया था राणा का कत्ल मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया कौन है राणा का कत्ल किसने किया है ये खून राणा का कत्ल बोलो कमिश्नर कौन है बोलो बोलो तुम चुप क्यों हो कमिश्नर बोलते क्यों नहीं कातिल बोलो कमिश्नर कौन है राणा का कातिल राणा का कातिल Yeah.
अविनाश तू? जिंदा था और अविनाश तूने कमिश्नर की हत्या की। अविनाश यानी कमिश्नर तेरा नाम बताने वाला था, इन सब गुनाहों में तेरा ही हाथ था। अच्छा होता अगर तू मर जाता। ये जो तूने हमारे साथ किया वो तू कैसे कर पाया? हमारी दोस्ती का ये सिला दिया तूने, वो दोस्ती जिसे हम खुदा समझते थे। देख देख अविनाश देख, अरे मां समान भाभी के प्यार के साथ ऐसा सलूक किया तूने, जिसके हाथ का बना खाना तो खाता रहा, जो कल तक तेरे जिक्र पे रोया करती थी उसके साथ ऐसा सलूक किया तूने, उसके साथ ऐसा सलूक किया तूने। और तूने ये सब किया क्यों अविनाश? सिर्फ पैसों के लिए? एक बार हमसे कहकर तो देखा होता, तेरी अय्याशियों को पूरा करने के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई तुझ पर लुटा देते। एक के बाद एक आफत हम पर आती रही और तू उसका मजा लूटता रहा। दोस्ती पर, रिश्तों पर, इंसानियत पर तुझसे बड़ा धब्बा और कोई नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर वर्मा अरेस्ट हिम। और 2 महीने बाद अंदर ले लो भाभी। अच्छा अब बहुत हो गया, आज तुम दोनों मिलके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, वरना इस घर में। लेकिन भाभी हमें कुछ सुनना नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही सॉल्व करो। रेखा रेखा बोल दे बोल दे बोल दे। अरे रेखा बोल दे ना बोल। अरे आज तो बोली डाल। रेखा बोल दे। गुड मॉर्निंग अजय। बट आई लव यू।